हेलो म्यूजिशियंस, आप सभी का वेलकम है ओजे का ज्ञान के एक नए एपिसोड में। मैं हूं ओजस्वी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी सॉन्ग को अपने पियानो पर प्ले करें। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी सॉन्ग को अपने पियानो पर प्ले करें। बिकॉज काफी सारे जो बिगनर्स होते हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कोई उनको ऐसी ट्रिक बता दे जिससे कि एकदम चुटकी में कोई भी सॉन्ग प्ले करें। तो ऐसा प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल है। मैं क्या कोई भी आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं बता सकता है। ये क्वालिटी है जो धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होगी, ठीक है। इसके लिए आपको म्यूजिक में डेडिकेशन देना होगा, टाइम इन्वेस्ट करना होगा। जब मैं एक बिगनर था तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में यही आया था कि यार मैं कुछ ऐसा जान जाऊँ कि कोई सा भी सॉन्ग एकदम से प्ले कर दूँ। बट वो ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये क्वालिटी धीरे धीरे आप टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी इसी सीख जाओगे। बट ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। ये टिप्स मैंने खुद फॉलो करी थी और हाँ, आज मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं कोई भी सॉन्ग एकदम प्ले कर लेता हूँ। फिर मुझे बाकी लोगों का नहीं पता कि वो उन्होंने कैसे सीखा, बट मैंने जैसे सीखा मैं आपको वो टिप्स दूंगा। कुछ 4-5 टिप्स अगर आपको उनको फॉलो किया और म्यूजिक में डेडिकेशन दिया, यानी कि टाइम इन्वेस्ट किया और प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस करी, तो आप बहुत जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 साल के अंदर अंदर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि कोई भी सॉन्ग एकदम से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे पूछो, नहीं तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफी सारी यूजफुल वीडियो आने वाली है। और सॉन्ग्स चेक नहीं किए तो प्लीज सॉन्ग्स चेक करो, सभी सॉन्ग को शेयर करो। तो चलिए बात करते हैं। तो मेरी सबसे पहली टिप है कि प्रैक्टिस कॉर्ड्स विद अलंकार्स, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि हम अलंकार्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 15 बेसिक अलंकार्स हैं। अब उनको हमें सुर की जगह कॉर्ड्स के साथ करना है। जैसे कि आप जानते हो सा का कॉर्ड होता है ये, रे का, गा का, मा का, वैसे हर सुर का कॉर्ड होता है, ठीक है। आपको कॉर्डिंग को परफेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कॉर्डिंग अच्छी होगी ना तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, बिकॉज कॉर्डिंग बहुत हेल्प करती है किसी भी सॉन्ग को प्ले करने में। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना कॉर्डिंग पे इन्वेस्ट करो। और जैसे कि हम अलंकार कोई सा लेते हैं, फर्स्ट अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, उसको आप कॉर्ड के साथ प्ले करो। से सारे अलंकार का कॉर्ड की तरह प्रैक्टिस करो, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। नाउ सेकंड टिप इज प्रैक्टिस राग। अब यहां पर मैं सारी रागों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बेसिक राग और कुछ इंपॉर्टेंट राग हैं, जैसे कि राग यमन, राग भूपाली, राग दरबारी, राग भैरवी, ये कुछ ऐसी राग हैं, इनको आप प्लीज परफेक्ट कर लो। और अगर आपने राग कर ली तो राग बहुत हेल्प करेंगे आपके म्यूजिक में। ये आपका बेस एकदम स्ट्रांग कर देंगे। पूरी कंप्लीट तानों के साथ, बंदिश के साथ पूरी रागों को कंप्लीट कर लीजिए। काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उनमें से सीख सकते हैं। 4-5 राग अगर आपने परफेक्ट कर ली तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ओके। तो रागों पे प्लीज ध्यान दीजिए। नाउ थर्ड टिप इज प्रैक्टिस सम सॉन्ग्स। कुछ 5-6 सॉन्ग आप पहले परफेक्ट कर लीजिए। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने सॉन्ग्स लीजिए, कोई भी 5-6 पुराने सॉन्ग लीजिए सिंपल से, और उनको तैयार करिए। उनका इंट्रो म्यूजिक, उनका बीच का म्यूजिक, अंतरास्थाई, सब कुछ 5-6 सॉन्ग अगर आपने कर ली तो आप उससे सीख जाओगे कि उतार चढ़ाव क्या होता है, कॉर्डिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी हेल्प करेगी। तो आप प्लीज कोई से 4-5 सॉन्ग सीख सकते हो। तो ये वो टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप ये करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई भी सॉन्ग एकदम प्ले करना है तो उसकी भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने वाले हैं। आप कोई भी एक सॉन्ग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हैप्पी बर्थडे, आपको उसको कुछ नहीं करना, फोन में प्ले करना है। अभी मेरे पास फोन नहीं है, उसमें प्ले करना है और आपको सा ढूंढना है। सा यानी कि उसका फर्स्ट सुर। अगर आपने सा ढूंढ लिया तो वो धीरे धीरे करते करते पूरा सॉन्ग निकालने में आपको बहुत आसानी होगी। तो पहले आपको कोई भी एक सॉन्ग प्ले करना है, फॉर हैप्पी बर्थडे, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे हम लेंगे, तो उसका हम सा निकालेंगे, ठीक है। सा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सारे सुरों को प्रेस करके देखना है, एक एक करके जो भी सुर मैच करता है उसका सा रहेगा। हमको पहले सिंग करके देखना है हैप्पी बर्थडे, अब हमको उसका सा निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर हैं और बाकी 5 सुर हमारे जो नीचे के, जैसे हमको सा मिल चुका है, सा है ये हैप्पी। अब फिर से देखिए, अब कौन सा नोट आएगा, हैप्पी, गलत, हैप्पी। अब इसको फिर से इसी को प्ले करके देखते हैं, हैप्पी, तो उस मैच हो रहा है तो हम इसको रख लेंगे, ठीक है। अगला हैप्पी बर्थडे, तो अब सारे नोट्स प्ले करके देखिए, हैप्पी जाना ही नहीं है क्या पे, इसी पे अगला सुर ही शायद मेरे हिसाब से है, हैप्पी बर्थडे, हाँ ये मेरा, ठीक है। जैसे हमने हैप्पी बर्थडे कर लिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, नहीं, हैप्पी बर्थडे टू, नहीं, हैप्पी बर्थडे टू, यहाँ पे मैच कर रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरह से आप एक एक सुर प्ले करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे आप हर सुर को उठा के देख सकते हो, हैप्पी बर्थडे, ऊंचा है, हैप्पी बर्थडे।
बर्थडे, ऐसे। तो ऐसे करके आप पूरा सॉन्ग निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आपको ऐसे आ जाएगा। बस म्यूजिक को टाइम दो पूरा और पूरा डेडिकेशन दिखाओ, पूरा लगन से करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ऐसी काफी यूजफुल वीडियो आपको मिलती है चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।